ये क्वेश्चन गेट 2020 में पुट हुआ है, पूरा क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने रफली लिखा है। एन प्रोसेसेस है हमारे पास और दो सीमाफोर है ए और बी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 हमने इनिशियलाइज किया है, काउंट एक शेयर्ड वेरिएबल है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। ठीक, ओके। अब क्या कह रहे हैं हम, कोड सेक्शन बी है एक, मतलब इसमें कुछ कोड एक्सेस हो रहा होगा और उसमें हमने काउंट को एक्सेस नहीं किया, ये क्वेश्चन में गिवन है। वेट ए देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, इफ काउंट इज इक्वल टू एन सिग्नल बी, सिग्नल ए, वेट बी, सिग्नल बी और कोड सेक्शन क्यू, ये कुछ कोड गिवन है और कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो पहले ये देखो कोड ये चलेगा कैसे, कोई भी प्रोसेस स्टार्टिंग में आएगा कोड सेक्शन बी अपना चला लेगा, चलाने के बाद वो वेट ए में आएगा, उस करेगा वेट ए। अच्छा, जैसे वो वेट ए करेगा, ए की वैल्यू क्या है 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 को काट के वो क्या बनाएगा 0, काउंट में एक इंक्रीमेंट करेगा, तो काउंट की वैल्यू मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, काउंट की वैल्यू इनिशियली 0 है, 0 को काट के उसने 1 बना दिया। इफ काउंट इज इक्वल टू एन, क्या 1 और एन बराबर है, मैं मानता हूँ कि मल्टीपल मतलब काफी सारे प्रोसेस है, 10-12 प्रोसेस है, तो 1 और एन बराबर नहीं होगा, सिग्नल भी हम नहीं कर पाएंगे, सिग्नल ए करेंगे, सिग्नल ए करने का मतलब ए की वैल्यू वापस से 1 हो जाएगी। उसके बाद वेट बी करेंगे, वेट बी, बी की वैल्यू क्या है 0 है, तो वेट बी करते ही ये इनफाइनाइट लूप में पहला जो भी प्रोसेस आया था वो यहाँ अटक गया। ठीक है, आई थिंक वेट और सिग्नल सबको पता होगा, वेट हम कब करते हैं, अगर वेट अगर जो भी सीमाफोर है जैसे ए हो या बी हो उसकी वैल्यू अगर हमारे पास 0 या 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है या 0 है, तो हम लूप में फंस जाते हैं, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम एक वैल्यू घटा देते हैं, 2 है तो 1 कर देंगे, 1 है तो 0 कर देंगे और हम लूप से बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज हम उसी लूप में घूमते रहेंगे। और सिग्नल का मतलब क्या होता है, सिंपली एक इंक्रीमेंट कर देना, हम सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था ए की वैल्यू 0 थी तो मैंने डायरेक्टली 1 कर दिया, 1 होते तो 2 कर देते, 2 होते तो 3 कर देते, एंड सो ऑन, ये सब हम कर सकते हैं सिग्नल के थ्रू। और वेट का मतलब होता है हम लूप में फंस सकते हैं, सिग्नल का लूप से कोई मतलब नहीं है, सिग्नल सिंपली एक इंक्रीमेंट करवाता है। ठीक, चलिए खैर वापस आते हैं इधर, तो वेट भी करा तो प्रोसेस यहाँ पे अटक गया। अब दूसरा कोई प्रोसेस आएगा वो अपना कोड सेक्शन पी चलाएगा, उसके बाद वेट ए करेगा, वेट ए करने का मतलब 1 का वो 0 करेगा, उसके बाद काउंट में इंक्रीमेंट करेगा, तो दूसरा प्रोसेस आया तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई। थिंक अब आपको समझा रहा होगा काउंट की वैल्यू क्या बता रही है, कितने प्रोसेस मेरे पास आ चुके हैं। तो खैर, तो उसके बाद काउंट की वैल्यू एन भी नहीं होगी, तो सिग्नल ए करेगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वापस से 1 हो जाएगी, और वेट भी मतलब यहाँ पे आके अटक जाएगा। देख रहे हो जितने प्रोसेस आएंगे सारे सारे यहाँ अटक जाएंगे। अब हो सकता है कि सारे सारे प्रोसेस इकट्ठे कोड सेक्शन बी में आ रहे थे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे आके एक एक करके अटकते जाएंगे। अब अल्टीमेटली मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास एन माइनस 1 प्रोसेसेस अटक गए, जब यहाँ पे कुछ टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे होंगे, जब nth प्रोसेस आएगा तो काउंट की वैल्यू को अल्टीमेटली n बनाएगा, हम देखेंगे क्या काउंट की वैल्यू n है, yes, वो सिग्नल b कर देगा, जैसे सिग्नल b हो जाएगा तो मेरे पास जो b सीमाफोर था जिसकी वैल्यू 0 थी अब मैंने उसको 1 बना दिया। जैसे ही मैं उसको 1 बनाऊंगा तो आप सोच सकते हैं या तो वही प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा या फिर जो वेट कर रहे थे प्रोसेस काफी सारे यहाँ पे वेट बी में यहाँ पे लटके हुए थे उनमें से कोई एक प्रोसेस की लूप टूट जाएगी और वो सिग्नल बी करके वापस यू कैन से कोड सेक्शन क्यू में आ जाएगा। खास बात हमें क्या समझ में आ रही है, जब तक सारे के सारे प्रोसेसेस कोड सेक्शन बी को नहीं चलाएंगे तब तक कोई भी प्रोसेस कोड सेक्शन क्यू में नहीं जाएगा और यही ऑप्शन फर्स्ट है विच इज ट्रू, दैट इज नो प्रोसेस एग्जीक्यूट कोड सेक्शन क्यू बिफोर एवरी प्रोसेस हैज फिनिश्ड कोड सेक्शन बी, क्योंकि जब तक काउंट की वैल्यू एन नहीं होगी हम सिग्नल बी नहीं कर पाएंगे और जब हम सिग्नल बी नहीं कर जब तक हम सिग्नल बी नहीं करेंगे यहाँ पे वेट बी में सारे के सारे प्रोसेस आके अटकते जाएंगे। ठीक, अच्छा बाकी ऑप्शन को भी फटाफट चेक कर लेते हैं, थिंक सबको वर्किंग समझ में आ गई होगी हम कैसे वर्किंग कर रहे हैं इसकी। तो अब ऐसे समझो, सेकंड ऑप्शन क्या है, एनश्योर टू प्रोसेसेस इन इट एनश्योर टू प्रोसेसेस इन कोड सेक्शन क्यू एट एनी टाइम, एट एनी टाइम कोड सेक्शन क्यू में 2 प्रोसेसेस की मैं श्योरिटी दे रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शुरू में तो एक भी नहीं गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि 2 प्रोसेसेस इकट्ठे इसके अंदर रहेंगे। अगला क्या कह रहा है, इट एनश्योर ऑल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कोड सेक्शन पी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, कोड सेक्शन पी को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फैशन में क्या मैं यहाँ पे चला पाऊंगा, आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने जैसे चला के दिखाया तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव लेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है सारे के सारे प्रोसेसेस इकट्ठे कोड सेक्शन में पी में आ जाए और उसके बाद एक एक करके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, जाएंगे अंदर एक एक करके, क्यों एक एक करके अंदर जाएंगे, क्योंकि वेट ए और सिग्नल ए ये एक किस्म से हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन देने का तरीका है, मतलब ये आई थिंक पता होगा, अगर वेट ए करा है तो कोई एक ही प्रोसेस वेट ए कर पाएगा, सारे प्रोसेस इकट्ठे आगे वेट ए करेंगे बट स्टिल अल्टीमेटली कर एक ही पाएगा क्योंकि एक ही उसको डिक्रीमेंट करेगा और लूप टूटेगी और वो अंदर जा पाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन फैशन के लिए हमने वेट ए और सिग्नल ए यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, तो हो सकता है सारे इकट्ठे कोड सेक्शन बी में आ जाए बट अंदर एक एक करके ही जाएंगे। खैर, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा कि ये कोई कोड का मतलब ये कह रहा ना कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन फैशन को में कोड सेक्शन बी को चलाएंगे, ऐसा हमारे यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है।
लास्ट ऑप्शन क्या है, इट एंश्योर एट मोस्ट एन माइनस वन प्रोसेसेस आर इन कोड सेक्शन बी एट एनी टाइम, ज्यादा से ज्यादा एन माइनस वन प्रोसेस कोड सेक्शन बी में रहेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है, ये मैंने अभी आपको बताई है, हम सारे के सभी को यहाँ पे कोड सेक्शन बी में ए के साथ डाल सकते हैं। ठीक, ओके।